यहाँ पर मैं ईशानी के साथ उल्टे फेरे ले रहा हूँ, जहाँ मैं उसको कहता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ शादी का रिश्ता नहीं रखना और मैं वो रिश्ता तोड़ रहा हूँ, और उसके साथ उल्टे फेरे लेके हर जो कसम मैंने खाई थी शादी के फेरों के टाइम पे, मैं वो उसे रिवर्स कर देता हूँ कि मैं सुख दुख में तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगा, मैं हर एक दूसरी लड़की के साथ रहूँगा पर तुम कभी भी नहीं होंगी मेरी लाइफ में, और मैं अपने परिवार का मतलब सम्मान करूँगा पर तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का सम्मान नहीं करूँगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल के मैं कम्प्लीटली उससे रिश्ता तोड़ रहा हूँ। तो वो मुझसे लड़ रही कि तुम ऐसे बोल के तुम रिश्ता तोड़ नहीं सकते, रिश्ते को बुनियाद ऐसे सब ज़बान पर नहीं होती है, बन चुका है रिश्ता तो बन चुका है और मैं किसी भी तरीके से निभाऊंगी। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइट विथ हर एंड बस उसको अपने कमरे से बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अब वो मेरी पत्नी नहीं है। खास वजह यही है कि वो चिराग के पास गई थी करवा चौथ के दिन अपने एक्स के पास, और वो ये सबूत लेने के लिए गई थी कि मैंने मोटा बाबूजी को मारा या नहीं। उसने मुझ पर नहीं ट्रस्ट करके चिराग पर ट्रस्ट किया, विच इज़ द रीज़न वाई आई एम पिस्ड एट हर। एंड मतलब जो लड़की के साथ मतलब इतने साल गुजार दिए, इतना प्यार किया, सारे इल्ज़ाम अपने सर पर लिए, और उस वही लड़की तो मैं दो कौड़ी का ट्रस्ट नहीं करती, तो उसके साथ रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं। सो दैट इज़ वाई रणवीर कम्प्लीटली हेट्स अमर।